12 अक्टूबर सन 1999 को नवाज शरीफ हुकूमत पर शब खून मारने वाले जनरल परवेज मुशरफ ने 1.5 साल बाद खुद सदर बनने के लिए सदर मुमलिकत रफीक तारड़ को साथी जर्नैलों की मदद से पहले तो डराया धमकाया, मगर जब वो ना माने तो गैर कानूनी एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करके उन्हें ऐवान सदर से बेदखल कर लिया और खुद मनसबे सदारत पर कब्जा कर लिया। साबिक सदर पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड रफीक तारड़ के प्रेस सेक्रेटरी और सीनियर कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी इस फौजी वारदात की कहानी बयान करते हुए बताते हैं कि 13 जून सन 2001 को तब के सदर मुमलिकत रफीक तारड़ की जानिब से दिए गए खुफिया इशाइये में मुल्क के स्याहो सफेद के मालिक फौजी जर्नैल और उनके सहूलतकार शरीक हुए। इनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान जनरल परवेज मुशरफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद यूसुफ, डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम अहमद और जनरल मुशरफ के मोहतमद खास तारिक अजीज शामिल थे। वाजह रहे कि इस इशाइये की ख्वाहिश खुद जनरल परवेज मुशरफ की तरफ से आई थी, जो कि एक सोची समझी स्कीम का हिस्सा थी। 13 जून की तारीख और शुरका की फहरिस्त भी उन्होंने दी थी। ये भी कहा गया था कि इस मुलाकात की मीडिया कवरेज नहीं होगी। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इस इशाइये के बाद जनरल मुशरफ ने गला साफ किया और तवील तमहीद के बाद हरफे मुद्दा पे आए और सदर मुमलिकत से मुखातिब होकर कहा कि सर, इस सूरत हाल में फौजी क़यादत की राय ये है कि मेरे सदर मुमलिकत बन जाने से पॉलिसियों के तसलसल का पैगाम जाएगा, बाहर से सरमायाकारी आएगी, मुल्की मफाद को तकवीत मिलेगी। जनरल मुशरफ हरफे मुद्दा कह चुके तो सदर मुमलिकत रफीक तारड़ ने भी तफसील से अपना नुकता नज़र पेश किया और आखिर में कहने लगे कि आपके सदर बनने की क्या सूरत है, तरीकाकार क्या होगा। इस पर जनरल गुलाम मोहम्मद गोया हुए कि तरीकाकार क्या होना है सर, आप इस्तीफा भी तो दे सकते हैं। सदर के लहजे में थोड़ी तुरशी आ गई। बोले, जनरल साहब, मैं किसी इनकलाब के जरिए या किसी का तख्ता उलटकर सदर नहीं बना, मैं मुंतखब असम्बलियों से रिकॉर्ड वोट लेकर यहाँ आया हूँ। इस मौके पर सदर मुमलिकत को टोकते हुए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल यूसुफ बोले, तो क्या आइन आपको इस्तीफे की इजाज़त नहीं देता। ये सुनकर सदर रफीक तारड़ के लहजे की तुरशी तलखी में बदल गई। उन्होंने कहा, जी आइन इजाज़त देता है, मगर आपने असम्बली छोड़ी है ना स्पीकर, आखिर मैं अपना इस्तीफा किसे पेश करूँ। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इसके बाद जनरल महमूद बोले कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव को इस्तीफा दे दें। सदर तारड़ बोले कि जनरल साहब, आप बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं सबसे बड़ा ओहदा रखने के बावजूद आपके सामने बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन जिस आईने पाकिस्तान का आप लोग जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक मैं सुप्रीम कमांडर हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव समेत आप सब मेरे मातहत हैं, मेरी कमांड में हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने मातहत की खिदमत में इस्तीफ़ा पेश कर दूँ। इस पर मुशरफ का एक चमार तारिक अजीज बोला कि सर, कोई तरीकाकार तो निकालना होगा ना। इस पर सदर तारड़ ने कहा कि तरीकाकार निकालना मेरा नहीं, आपका दर्द सर है। फिर सदर मुमलिकत हतमी अंदाज में बोले कि आखिरी बात सुन लें, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अगले रोज़ जनरल महमूद ने पैगाम दिया कि जनरल मुशरफ दौरे भारत से पहले 20 जून को सदारत का हलफ ले रहे हैं, बेहतर होगा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। मगर सदर तारड़ ने फिर साफ इनकार कर दिया। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 20 जून की सुबह से ही सदर की रिहायशगाह समेत पूरा ऐवान सदर मुहासरे में ले लिया गया। उस दिन का आगाज़ चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज मुशरफ के दफ्तर से जारी होने वाले एक फरमान से हुआ, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 2 बराए 2001 कहा गया। हुक्म सादिर हुआ कि एमरजेंसी तरमीमी ऑर्डर सन 2001 के इजरा से फौरी कबल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मनसब सदारत पर फाइज शख्स फौरी तौर पर अपने ओहदे से फारिग समझा जाएगा। इससे मुतसिल एक दूसरा फरमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 3 बराए सन 2001 जारी हुआ, जिसके मुताबिक चाहे किसी भी वजह से सदर का ओहदा खाली हो जाने पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर बन जाएगा। इसके बाद सदर रफीक तारड़ नमाज जोहर अदा करके लाहौर के लिए रवाना हो गए। सरे शाम ऐवान सदर की एक पुरशकोह तकरीब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान इरशाद हसन खान ने एक हाजिर सर्विस वर्दी पोस्ट जर्नैल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हल्फ ले लिया। उन्होंने कोई इस्तफसार न किया कि इस वक्त मुंतखिब सदर कहाँ है। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक ये ओहदा कैसे खाली हुआ, एक बावर्दी जर्नैल कैसे सदर बन सकता है, ऐसी बातें, घातें और वारदातें पाकिस्तान के मामूलात का हिस्सा हैं। सो तकरीब में शरीक जीवाकार मेहमानों में से किसी के माथे पर तहय्युर की कोई शिकन ना उभरी। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई अनोखा वाक़या ना था, क्योंकि पाकिस्तानी कौम मुल्क के क़याम से आज दिन तक वसीत कौमी मफाद और नजरिया जरूरत के दो पार्टों में पिस रही है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।